Dear students of class 10th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this very video lecture, we are going to deal with some compounds. If you remember, in the previous lecture, we already discussed the first one, that is Murakkab Ishari. If you will learn all these compounds in a better manner, dear students, then in this very topic, that is Tarkib-e-Nahwi, you are not going to face any difficulty. So let us begin this lecture with Murakkab-e-Tawseefi. Tawseef ke maane hai sataish, tarif. Already murakkab maine murakkab do ya do se zayid lafzon se milkar banta hai. So that is called a compound or murakkab. To Murakkab-e-Tawseefi ki तारीफ और डेफिनेशन बयान करने की हम कोशिश करेंगे. ये वो मुरकब है जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बनता है. तो सिफत का मतलब है, या सिफत वो इस्म है जो, या वो अल्फाज है जो क्या हमें दिखाता है, जो किसी चीज की अच्छाई बुराई मकदार तेदाद को जाहिर करता है. मौसूफ अब जिसकी ये क्वालिटीज, ये बुराइयां या अच्छाइयां जाहिर की जाती है, उसे कहते हैं मौसूफ. फॉर एग्जाम्पल, यहां नरगिसी आंखें. तो नरगिसी यहां सिफत है. उमूमी तौर पर सिफत उर्दू में पहले आता है और बाद में मौसूफ आता है. नरगिसी यहां सिफत है और आंखें मौसूफ है, क्योंकि आंखों की यहां सताइश और तारीफ तौसीफ बयान हो रही है. किससे हो रही है? नरगिस से हो रही है. बड़ा कमरा, तो जो ये बड़ा है, बड़ा बनेगा यहां सिफत और कमरा बनेगा मौसूफ, क्योंकि जो ये कमरा है, इसकी क्वालिटी है, इसकी खूबी है, वो है ये बड़ा है. ये वसी कमरा है, ये बड़ा कमरा है, या छोटा कमरा है, गोल कमरा है, वट एवर भी, ये इसकी क्वालिटी बनती है, इसकी सिफत बनती है. इसी तरह काली शलवार, शलवार यहां मौसूफ है और काली सिफत है. गो के आप देखिए, इन मिसालों में पहले सिफत बयान हुई है, बाद अजा मौसूफ को बयान किया गया है. तो आपको यहां याद रखना है कि मौसूफ बाद में आता है और सिफत पहले आता है. और मुरकब-ए-तौसीफी वो मुरकब है जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बनता है, तो मुरकब-ए-तौसीफी कहलाता है. नाउ मुरकब-ए-अददी. मुरकब-ए-अददी वो मुरकब है जो अदद और मादूद से मिलकर बनता है. अदद और मादूद से मिलकर बनता है. फॉर एग्जाम्पल, पांच कुतुब, दस बच्चे. तो यहां देखिए, पांच और दस ये अदद है और मादूद क्या है? कुतुब और बच्चे. यानी जिस चीज की तेदाद बयान की गई है या बयान हो रही है वो कहलाता है मादूद, उसे कहते हैं हम मादूद. और जिससे बयान हो रही है वो तेदाद, किससे बयान हो रही है, ये तेदाद है पांच या है दस, इसको कहते हैं हम सिंपली अदद. ये आदाद है, ये गिनती है. ठीक. अब जो मुरकब अदद और मादूद से मिलकर बनता है, तो दैट इज कॉल्ड मुरकब-ए-अददी. मुरकब-ए-अददी, मैंने मिसाल दी पांच कुतुब दस बच्चे. पांच और दस जो है ये आ जाएगा अदद, और मादूद में आ जाएगा कुतुब और बच्चे. ठीक. अब जो ये मुरकब-ए-अददी है, अगर हम अदद की बात करेंगे तो अदद को हम फर्दर दो हिस्सों में, दो टाइप्स में, दो किस्मों में डिवाइड करते हैं, मुनकसम करते हैं. तो नंबर वन इज अदद-ए-मुअय्यन, एंड सेकंड वन इज अदद-ए-गैर मुअय्यन. अदद-ए-मुअय्यन वो अदद है, जो तेदाद को ठीक तरह जाहिर करता है. और अदद-ए-गैर मुअय्यन वो अदद है जो चीजों की तेदाद को ठीक तरह से जाहिर नहीं करता है,
वो कि जिसे चीजों की तदाद ठीक तरह से मालूम नहीं होती है, तो दैट इज कॉल्ड अदद गैर मुअय्यन, और ये कहलाता है अदद मुअय्यन। सो अदद मुअय्यन और अदद गैर मुअय्यन की मिसालें आप लीजिए। अदद मुअय्यन की मिसालें ऊपर ऑलरेडी मैंशन है, सो यहां फिर भी लिखते हैं एक एक कलम। जो ये एक कलम है, ये कलम हमें पता चलता है कि कलम कितने हैं, इट इज ऑनली वन। गो कि इसको हम डेफिनेट कहते हैं, जब आपको भरपूर तरी भरपूर अंदाज से पता चलता है कि कितने हैं, हाउ मनी आर देयर। अदद गैर मुअय्यन में मिसाल है चंद कलम, मुतअद्दिद कलम, मुतअद्दिद कलम, कुछ कलम, कुछ, चंद, मुतअद्दिद, कही, सब, इतने, जितने, ये सारे के सारे अदद गैर मुअय्यन हैं। मैं बताऊंगा चंद लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो दैट मीन्स ये मिसाल किस में आएगी, अदद गैर मुअय्यन में। चंद से आपको वाजे पूरी तरह नहीं होता है कि ये कितने खेल रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूंगा 20 लड़के ग्राउंड में फुटबॉल में महूम मशगूल है, महूम मगन है, तो दैट मीन्स यहां से आपको पता चलते हैं हाउ मनी बॉयज आर प्लेइंग देयर। जब आपको ठीक तरह से मालूम तदाद मालूम हो तो अदद मुअय्यन और अदद गैर मुअय्यन। अब मुरकब जारी, मुरकब जारी वो मुरकब है जो 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 बनता है मजरूर और हर्फ जार से, हर्फ जार से। हर्फ जार में कौन कौन से पार, तक, तलक, मैं, अंदर, बाहर, दरमियान, ये सारे जो हरूफ है ये क्या है, ये हरूफ जार है, ये हरूफ जार है। तो हरूफ जार से पहले जो भी अस्मा आते हैं, इस्म आते हैं, नाउनज आते हैं, वो कहलाते हैं मजरूर, और इसी मजरूर के बाद जो ये अल्फाज आते हैं वो होते हैं हरूफ जार, वो होते हैं प्रीपोजिशंस। तो मिसाल के तौर पर छत पार, छत, छत पार, छत पर, सड़क तक, सड़क, सड़क तक, ठीक। इसी तरह से बाग में, बाग में। प्लीज यहां से आप समझने की कोशिश करें कि यहां से देखिए छत, सड़क और ये बाग, ये तो इन हरूफों के पहले आए हैं, ये इस्म है यानी ये नाउनस है। वो नाउनस के बाद जो हरूफ आए हैं, नाउनस के बाद जो हरूफ आए हैं, ये है हरूफ जार, ये है हरूफ जार। जो जो तानी तरह कोई माने नहीं देते हैं, जो सेपरेटली आपको माने प्रोवाइड नहीं करेंगे, मगर जब लफ्जों के साथ आते हैं तो ये फिर वहां माने देते हैं। तो यहां से गौर करें आप, गो छत, सड़क और पांच क्या है, ये है मजरूर, ये है मजरूर। वो आपको सिंपली आपको इस तरह याद रखना है, जब भी इन इस्मों के बाद ये पार आ जाएगा, ताक आ जाएगा, मैं, से, इसी तरह जो अल्फाज मैंने अभी बताए हैं, तो जितने जब ये अल्फाज आ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या ये अल्फाज क्या है। अब यहाँ से हम मुरकब अतफी को पढ़ेंगे, मुरकब अतफी को पढ़ेंगे। जो ये मुरकब अतफी है, मुरकब अतफी का मतलब है जो मातूफ अलैह, मातूफ जो भी मुरकब मौतूफ अलै और मौतूफ से मिलकर बनता है तो वो कहलाता है, वो कहलाता है मुरकब अतफी, वो कहलाता है मुरकब अतफी। अतफ का मतलब है कंजक्शन, यानी उर्दू में और, व, की, बल्कि, लेकिन, फिर, इसी तरह जो अल्फाज है ये हरूफ अतफ कहलाते हैं। हरूफ अतफ दो चीजों को मर्ज करते हैं, ये कनेक्टर्स होते हैं, ये चीजों को मिलाते हैं, मौतूफ अलै और मौतूफ। फॉर एग्जाम्पल जमीन और आसमान, जमीन और आसमान, अहमद और नदीम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां से जो ये वा और है ये हरूफ अतफ होंगे, लेकिन हरूफ अतफ से पहले देखिए किस तरह आप याद रखेंगे, हरूफ अतफ से पहले जो लफ्ज आते हैं, जो अल्फाज वारद होते हैं, वो कहलाते हैं मौतूफ अलैह, वो कहलाते हैं मौतूफ।
और इन कनेक्टर्स, इन मर्जर्स के बाद जो अल्फाज वारद होते हैं वो कहलाते हैं मातूब, वो कहलाते हैं मातूब। वो आप समझ गए, वो मुरकब जो बनता है मौतूफ अलैह और मौतूफ से वो कहलाता है मुरकब अतफी, मुरकब अतफी। गो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में जितने भी मुरकब हमने डिस्कस किए हैं और जो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने कुछ मुरकब डिस्कस किए हैं, इन तमाम मुरकबों को जो ही आप समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह जब भी मैं कल के वीडियो लेक्चर चीज़ से जो ही मैं तरकीब नहवी शुरू करूँगा तो किसी भी जगह आप कोई हिंड्रेंस, कोई ओबस्टैकल सामने आपको नहीं रहेगी, डिफ़िकल्टी फेस नहीं करेंगे इंशाल्लाह आप। तो इन मुरकबों को अच्छे से समझिए, इनकी मिसालें अगर मैंने दो दो बताई है आपको दस दस इनकी पता होनी चाहिए तो इंशाल्लाह देयर आफ्टर आपको परेशानी नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।